हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल चीज़ों की मदद से आप आपके चेहरे से एक्ने पिंपल्स को कैसे दूर कर सकते हैं। जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उन लोगों को अक्सर पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँगी कि डालचीन पाउडर के मदद से आप आपके चेहरे से कील मुहासों को कैसे दूर कर सकते हैं। और उससे पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी सारे वीडियोस आपके पास पहुंच सके। और अगर आप भी किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। तो इसे बनाने के लिए हम ले लेंगे आधा चम्मच दालचीनी पाउडर। फ्रेंड्स, दालचीन के एंटीबैक्टीरियल गुण चेहरे को पिंपल्स और एक्ने से मुक्त करने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दालचीनी एक्ने बनाने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करके त्वचा को रिकवर करने में मदद करता है। फ्रेंड्स, दालचीन ना केवल आपके खाने को स्वादिष्ट बनाता है बल्कि त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए भी मददगार होती है। इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लामेटरी तत्व चेहरे से दाग धब्बे और पिम्पल्स को दूर करने के लिए बहुत ही मदद करता है। और फ्रेंड्स, इसमें अब हम डालेंगे आधा चम्मच चंदनवुड पाउडर यानी कि सैंडलवुड पाउडर। सैंडलवुड पाउडर भी आपके चेहरे से पिंपल्स दाग धब्बे को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। साथ ही साथ ये आपके चेहरे को ठंडक भी देता है और आपके चेहरे को फेयर भी बनाता है। तो इसमें डाल लीजिए आधा चम्मच चंदन पाउडर। अगर आपके पास चंदन पाउडर नहीं है, जो हम पूजा करने के लिए जो चंदन यूज करते हैं उसे भी घिस कर आप उसका पेस्ट भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल लेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। अगर आपके पास वाइल्ड टर्मरिक है बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें डाल दीजिए, हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होता है जो कि आपके चेहरे से कील मुहासे और उनके निशानों को दूर करने के लिए मददगार होता है और स्किन को फेयर भी बनाता है। और इसमें हम डाल लेंगे 1 से 1.5 चम्मच हनी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक पेस्ट हम बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा जो पेस्ट है बनके रेडी हो गया है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप इसे कैसे यूज करना है। तो इस तरह से थोड़ी सी लीजिए और जहाँ पर भी आपको पिंपल्स या एक्ने प्रॉब्लम है उसी पर इस तरह से लगा लीजिए। जैसे कि हम स्पॉट करेक्शन करते हैं, इस तरह से देखिए पिंपल्स आपको जहाँ पर भी है इस तरह से आप इस तरह से लगा आपको चेहरे पर ही 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। और 10 से 15 मिनट के बाद इसे इस तरह से धीरे धीरे मसाज करके फेस को अच्छे से धो लीजिए। इस तरह से आप अगर कुछ ही दिनों तक करेंगे तो आप देखेंगे आपके फेस से सारे दाग धब्बे पिंपल्स एक्ने बिल्कुल भी दूर होकर आपकी स्किन बहुत ही क्लीन क्लियर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप जरूर ट्राई करके देखिए, बहुत अच्छा रेमेडी है।